वेलकम टेक्सटाइल आर्टवर्क। आज हम एक नया डिज़ाइन, नया नहीं मतलब मेरे लिए नया है, इसके लिए मैं इसको आज इस टेक्सचर के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। उसको थोड़ा मैंने 3D मॉडल में बनाने की कोशिश किया हूँ। देखेंगे इस वीडियो में ये टेक्सचर कैसा बनता है। हमारी टेक्सचर वर्क में ये हमारे चैनल में पूरा कितना भी पुराना हो नया हो हम पूरा वीडियो डालेंगे। हम सिर्फ नया सिर्फ स्पेशल ऐसा नहीं है। हर आदमी को टेक्सचर के बारे में जानना चाहिए। एक ऐसा डिज़ाइन है, इसमें कोई कंपनी या कुछ वो लोग कैटलॉग बनाते हैं, उसे दुकान में जाके हम उसी से डिज़ाइन चॉइस करते हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ अपने दिल से निकलता है, ऐसा डिज़ाइन है ये। ये थोड़ा सा अभी ज़्यादातर रॉयल प्ले से भी ज़्यादा अभी ये टेक्सचर डिज़ाइन पॉपुलर है। रॉयल प्ले जैसे वो पुराना हो गया है, रॉयल प्ले में टेक्सचर जैसा डिज़ाइन ज़्यादा नहीं है। रॉयल प्ले में जो क्या होता है, रॉयल प्ले में कुछ कलर की चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार बन गया वो परमानेंट, बाद में उसे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन टेक्सचर में ऐसा नहीं है। टेक्सचर में आपको एक दो साल के बाद इसकी कलर भी चेंज कर सकते हो, इसमें कुछ भी कर सकते हो। लेकिन रॉयल प्ले में वॉलपेपर में सब ऐसा नहीं होता है। लोगों को इसकी जानकारी बहुत कम है, तो टेक्सचर के बारे में जानकारी बहुत कम है। लोग ऐसे देखते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं, ये सोचने वाले बहुत कम है। मैं भी अभी वीडियो चालू करके 7-8 महीने हो गया, लेकिन कुछ चैनल में अच्छा है वीडियो, कुछ चैनल में वही बार बार वही दिखाते हैं। लेकिन उन लोग सब हमसे बहुत पहले चालू किए थे, इसी की वजह से वो व्यू सब ज़्यादा उन लोगों के पास ही जाता है। हम कितना भी मेहनत किया तो भी फायदा नहीं है उसमें। आज की पैटर्न जिस स्क्रैपर में भी बना सकते हो, स्क्रैपर में थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि पकड़ने को होता है, नहीं तो पुट्टी ब्लेड में भी होता है 2-3 इंच में। आज इस पैटर्न को ऐसा इतना ही निकाल लेंगे, छोटा स्क्रैपर है तो थोड़ा लंबा कर लें। देखो ऐसा निकालते ही जाते हैं। इसमें कलर भी आपको कौन सा भी कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेट ले लो जैसा ऐसा। मटेरियल भी ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कर लेते हैं। ये डिज़ाइन पहले किया था मैंने, लेकिन कल इसको मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। पहले ये तो दो ही कलर में था, एक क्रीम कलर और कुछ लाइट कलर, लेकिन मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। मतलब एक्सपेरिमेंट की मतलब क्या, मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ डिज़ाइन के ऊपर हम कुछ ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि इतना ही कर दो बस। देखो आपको ये पैटर्न बहुत अच्छा लगेगा, इसमें लाइट कलर डार्क कलर कुछ भी आपको अच्छा लगता है। जैसे आपको रॉयल प्ले में
स्पैचुला डिज़ाइन है, ये भी थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन उससे भी अच्छा रहता है दिखने में। टेक्सचर में एक रफनेस होता है और एक देखो आज की पैटर्न ही ऐसा होता है, इसमें कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। थोड़ा दूर दूर चलता है, ज़्यादा नज़दीकी भी नहीं चाहिए आपको, ऐसा कुछ देखो आपको ये पैटर्न कैसा लग रहा है, ऐसा कुछ कर लेते हैं। आपको इसमें साइज भी स्क्रैपर छोटा है तो थोड़ा लंबा कर दो, लेकिन 3 इंच का स्क्रैपर बहुत अच्छा होता है। ये देखो आपको आज की ये पैटर्न ऐसा है, अभी इसके ऊपर कलर करेंगे इसको। इस डिज़ाइन को हमने एक लाइट येलो कलर मार के रखा हूँ, येलो कलर मतलब येलो आयरिश। इसके ऊपर हम लाइटली थोड़ा येलो स्पॉट येलो बोलते हैं इसे, इसे थोड़ा शेडिंग कर लेते हैं। लाइट और इसमें ज़्यादा नहीं, बहुत कम से शेडिंग कर लो, थोड़ा अंदर का कलर भी दिखना चाहिए, ज़्यादा येलो कवर मत कीजिए। ऐसा कुछ शेडिंग कर लो। इसके बाद आपको ये एक तरह डबल कलर दिखता है, अंदर से लाइट कलर बाहर से येलो कलर दिखता है। जब मेटालिक शेडिंग करते हो तो ऐसा स्पॉन्ज है उसे छोटे छोटे टुकड़े बना के रख लो, इसी से थोड़ा अच्छा होता है। इस तरह डिज़ाइन में आज हम इसके ऊपर ऐसा शेडिंग करेंगे, जैसे अभी ये वाटर बेस्ड कॉपर है, कॉपर से थोड़ा आपको ऐसा बीच बीच में थोड़ा आपको शेडिंग कर देते हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा दबा के भी नहीं, थोड़ा भगाते जाओ ऐसे ही ऊपर से, थोड़ा क्रॉस क्रॉस भगाते जाओ। ये येलो जो टॉप में मैंने शेडिंग किया, जो स्पॉट ये येलो कलर, उसे बहुत लाइट होना चाहिए। वो मटेरियल को थोड़ा मोटा रख लो, पतला दें रखने से स्पॉन्ज खींच लेता है बहुत, बाद में एकदम छोड़ देता है डिज़ाइन के ऊपर, इसी से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऐसे ही सारे दीवार पर आप शेडिंग करते जाइए, ये बहुत फाइनली आपको बहुत अच्छा दिखेगा। देखो देखते जाओ, फाइनली ये ऐसे ही आप करते जाओ, आपको ये अच्छा दिखेगा ज़रूर। इसके ऊपर हम थोड़ा बीच में सिल्वर भी ऐड कर देते हैं, सिल्वर को थोड़ा ऐसे ही ऊपर से लगाते जाओ। पहले इस डिज़ाइन में दो ही कलर था, आपको इसके ऊपर ऐसे ही सिल्वर है ना, सिल्वर थोड़ा
कॉपर कम करके, सिल्वर को ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं है, कॉपर तो एवरेज चाहिए, तो सिल्वर को थोड़ा ज़्यादा आया तो भी चलता है, क्योंकि सिल्वर एक ऐसा आइटम है कि वो ज़्यादा कॉपर गोल्ड जैसा दिखाता नहीं है लाइट कलर के ऊपर। आपको भी ये डिज़ाइन दिखने में कैसा लगा? देखो ये थोड़ा अच्छा है डिज़ाइन दिखने में। और जो मैं बनाया पैटर्न, वो ये पहला मैं बहुत साल पहले बनाया था इस डिज़ाइन को, तो ऐसे ही था। अभी जब जो डिज़ाइन डाल रहा हूँ पूरा एक एक करके वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो ये डिज़ाइन की बारी आज थी। ये ऐसा नहीं था, इसके ऊपर मैंने ये शेडिंग गोल्ड और सिल्वर का एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ, उस डिज़ाइन को और भी अच्छा दिखाता है। ये बड़े दीवार पर और छोटे दीवार पर भी, स्टेयर केस पर ऐसे जगह पर ये बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको कलर भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा लाइट कलर बिना मेटालिक की भी आपको अच्छा लगता है दिखने में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और क्या कमेंट शेयर ऐसे सब बोलते हैं सब लोग, हम भी वही बोल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, आगे भी एक नया वीडियो लेके आऊँगा। कल एक अंधेरे एक जगह पर एक टेक्सचर बनाया था, तो उस जगह पर बहुत अंधेरा था, देखेंगे वो डिज़ाइन कल डालेंगे। ओके बाय, आज तक इतना ही।